In this video, we will study about some applications of. We will study about some applications of trigonometry. We will study about some applications of trigonometry. So, इन एप्लीकेशंस को समझने के लिए इस चैप्टर से गो थ्रू होने से पहले हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और उसके लिए हम एक इमेज का सहारा लेंगे. ये रहा वो इमेज जिसकी मदद से हम इंट्रोडक्शन वाला एरिया हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. देखिए इन इंट्रोडक्शन एरिया इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन ये रहेगा कि हमने अभी तक जो है वो ट्री रेशियोज़ के बारे में पढ़ा है. तो ट्री रेशियोज़ में हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से जो साइन थीटा वी हैव स्टडीड अबाउट साइन थीटा देन कॉस थीटा देन टेन थीटा और इसको इन्वर्स करने के बाद जो टर्म्स क्रिएट होती हैं उनके बारे में हमने पढ़ा. फिर हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन और इसके ऊपर कुछ हमने सवाल किए. हम इस चैप्टर में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज को पढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है टी रेशोज़ और आइडेंटिटीज़ का नॉलेज है किस तरीके से यूज़फुल रहता है हमें हमारे अराउंड जो प्रॉब्लम्स डेली लाइफ में आती है उनमें हम किस एरिया में जो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं. ये चैप्टर के जब आप सवाल करेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत साफ तरीके से क्लियर हो जाएंगी. जहाँ तक सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का तो ट्रिग्नोमेट्री को सबसे पहले इन्वेंट किया गया एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल करने के लिए. हमारे जो पास्ट में एस्ट्रोलॉजर रहे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ग्रहों की तारों की और ग्रहों ग्रहों के बीच की दूरियों की गणना करने के लिए इसका बखूबी इस्तेमाल किया है और उनकी जो प्रेडिक्शंस हैं आप जंत्रियों में बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं और उनकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही आई मीन यू कहूँ कि बहुत हाईएस्ट लेवल की होती है. इसका जो आगे इस्तेमाल है वो ज्योग्राफी में बहुत अच्छा किया गया है. नेविगेशन के लिए इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है. मैप को डिज़ाइन करने में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है. एंड इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द प्लैनेट्स एंड द स्टार्स बिटवीन द प्लैनेट्स एंड बिटवीन द स्टार्स एज वेल. एंड इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल टू फाइंड द पोजिशन ऑफ द आईलैंड्स इन रिलेशन टू द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. सो जब आप अगली क्लासेस में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि इसका यूज़ उन एरियाज़ में भी है हो सकता है कि जिसकी मैंने अभी तक बात नहीं की हो. पर अभी तक हमें उस पार्ट तक ही कॉन्सेंट्रेट करना है जितना कि आपको अभी प्रिस्क्राइब टेक्स्ट में एलिमेंट्री नॉलेज की जिसकी आपको ज़रूरत है वहाँ तक ही हम इसकी बात करेंगे. अब हम आपको आगे लेके चलते हैं इस चैप्टर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं और चैप्टर शुरुआत की शुरुआत करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है और वो चीज़ें कुछ इस तरीके से हैं. हम कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और वो जो कंसेप्ट रहेगा जिसकी हेल्प से हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन डेली लाइफ को हम यूज़ कर पाएंगे उसमें कुछ चीज़ें जो आपने समझनी है वो सबसे पहले ये रहेगी लाइन ऑफ साइट क्या होती है. एक आपको बात समझनी है लाइन ऑफ साइट क्या चीज़ होती है. ओके दूसरा आपको समझना है नंबर टू दूसरा आपको समझना है हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा. हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा और उसकी क्या ज़रूरत होगी. नंबर थर्ड जो हम आपसे बात करेंगे वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और नंबर फोर पर हम बात करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे और हम आगे देखेंगे कि हम टी रेशोज़ का
किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, हाउ टू यूज़, आप सीखेंगे हाउ टू यूज़ टी रेशोज़ इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो ये कंटेंट हमारा रहेगा आगे जो चर्चा का विषय रहेगा। सबसे पहले हम अपना ध्यान लगाते हैं लाइन ऑफ साइट क्या होता है। तो लाइन ऑफ साइट को समझने के लिए हम एक इमेज का सहारा लेंगे और उसके लिए आपको इस इमेज की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, सबसे पहले हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं अपनी ओर से, आपको कितना समझ आता है ये तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे। हम अपनी ओर से अपनी कोशिश जारी रखेंगे। लाइन ऑफ साइट क्या है, अब सी हेयर कि ये वाला जो ये है लाइन ऑफ साइट, अब इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ एक बच्चा खड़ा है और उसकी अपनी हाइट ए ई है, दिस इज़ द हाइट ऑफ द स्टूडेंट, और ये वहाँ से एक मीनार की ओर देखता है और ये मीनार जो है इसकी जो हाइट है वो सी डी है, सी बी नहीं है, और यहाँ अपनी वो नज़रें गड़ा देता है। अब यहाँ से जब वो मीनार की ओर देखता है तो हम इसकी आईज से मीनार की के पॉइंट के ऊपर जहाँ वो देख रहा है उसको हम खींच देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। इस लाइन को ही हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। जिस लाइन के अलोंग बच्चा देख रहा है उसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ओके, तो ये हमारा पहला जो कंसेप्ट था, जो सीखने वाली बात थी उसको हमने सीखा। सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं कि ए से लेके ई तक यदि मैं इसको मिला देता हूँ तो ये लाइन ऑफ साइट है। यहाँ से बच्चा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बच्चे की आंख है, इस पॉइंट के ऊपर बच्चे की आंख है और यहाँ बच्चा यहाँ ऑब्जेक्ट को देख रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है जिसको आप लाइन के साथ जोड़ते हैं इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। साइट का मतलब किस लाइन में बच्चा देख रहा है या कोई भी ऑब्जर्वर देख रहा है। ओके, दूसरा कंसेप्ट हमें समझना है हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है। सो हॉरिजॉन्टल लेवल को समझने के लिए हम एक इमेज और आपके साथ ऐड करते हैं या शेयर करते हैं। ये देखिए, हमें ये इमेज जो है वो समझा देगा। इस इमेज से आप समझ सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है। सो ये रहा लाइन ऑफ साइट, ये देखिए ये वाला पार्ट रहेगा लाइन ऑफ साइट जिसमें जो बच्चा है ऐसे करके ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, पतंग को बच्चा देख रहा है, ये लाइन ऑफ साइट हो गया, और उसकी आंख से के पैरल आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर के पैरल आप एक लाइन खींच दें, इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल। अब हमारा तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। आगे हमने समझना है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बेसिकली जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल। तो यदि हम फर्स्ट फिगर के ऊपर अपना ध्यान डालें तो उसमें आप जैसे फॉर एग्जांपल आप पॉइंट ए बी को जोड़ देते हैं, तो आपने पॉइंट ए बी को जोड़ दिया और दो लाइनें आपके पास यहाँ आ गई। इन लाइनों के बीच का जो एंगल है, ये जो एंगल है इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और अब आप सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लेवल। यहाँ हम लिख देते हैं ये हॉरिजॉन्टल लेवल। अब आप इस डायग्राम में भी ऐसा लिख सकते हैं, ये देखिए इस डायग्राम में ए को आप बी से मिला देते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा और ये वाला पार्ट जो है वो हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ भी आप ये समझ सकते हैं दिस पार्ट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमने अभी तक पढ़ लिया लाइन ऑफ साइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन सीख लिया। अब हम पढ़ना है हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन को सीखने के लिए हम एक बार फिर आपके साथ एक इमेज शेयर करना चाहते हैं जिसकी मदद से हम आपको ये सिखाने की कोशिश करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है।
तो देखिए इस डायग्राम में हम क्या करेंगे, इस डायग्राम में सबसे पहले हम यहाँ है क्या इस सिचुएशन को देखते हैं। यहाँ एक बच्चा है जो एक मीनार के ऊपर खड़ा है, या यूँ कहें एक महल के ऊपर खड़ा है, और वो महल में नीचे महल के जैसे फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर खड़ा है, और वहाँ से वो एक ऑब्जेक्ट को जो ज़मीन पर पड़ा हुआ है उसको देख रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक लाइन ऑफ साइट जो है उसको डिफाइन करेंगे। सो उसके आईज और के डायरेक्शन में और एक्स एक्सिस के पैरेलल में आप एक लाइन खींच लीजिए, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लेवल। अब आपको हॉरिजॉन्टल लेवल की समझ है, फिर आप लाइन ऑफ साइट ढूंढ लीजिए कि जहाँ से बच्चा जो है वो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। अब ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आप मुझसे सवाल करेंगे कि सर आपने बोला कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच के एंगल को सबसे पहले आपने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन, अब आप ये कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो इस स्टेज के ऊपर आपने ये ध्यान रखना है कि यदि आप हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की ओर देखते हैं तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, और यदि आप हॉरिजॉन्टल लेवल से अपवार्ड देखते हैं तो उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। अब हम इस आपको अगले पेज पर ले चलते हैं। आगे समझने के लिए हमें अगले पेज पर जाना पड़ेगा, और ये चलते हैं। अब हमने अगले स्टेप में समझना है हाउ टू यूज टी रेशोज इन सॉल्विंग द वेरियस प्रॉब्लम। यूज ऑफ टी रेशोज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टी रेशोज का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, उदाहरण के लिए इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, और वो ये रहा एग्जांपल जिसकी मदद से हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि टी रेशोज का हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ फॉर एग्जांपल इसको हम एक किनारे पर लगा देते हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल कि आपको ये जो मीनार है उसका हाइट निकालना है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू डिटर्मिन द हाइट ऑफ दिस मीनार, ये वाला पार्ट हमने निकालना है, और ये जो बच्चा है वो यहाँ से मीनार से कोई 10 मीटर दूर खड़ा है। फॉर एग्जाम्पल दिस पार्ट इज 10 मीटर और ये एंगल जो है वो 45 डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल दिस एंगल इज 45 डिग्री। अब जब हम टी रेशोज का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हमेशा के लिए क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल का आप इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो टी रेशोज जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में हम इसका यूज करते हैं। और ये देखिए फॉर एग्जांपल ये आपका डायग्राम है, और इसमें ये कहा गया है कि जो ये वाली साइड है वो 10 मीटर है, ओके, और यहाँ से जो बच्चा है वो देख रहा है मीनार को, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट बी है, और ये वाले जो हाइट है ये बच्चे की हाइट है, दिस इज़ द हाइट ऑफ द चाइल्ड। हमने इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, ये देखिए अब ये बी और ये वाला पार्ट डी है, और ये वाला पार्ट ए है, ये वाला पार्ट ई है, और ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। सो दिस एंगल इज 45 डिग्री। सवाल ये है कि जब हम इस ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास तीन साइड्स होती है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, इसके बारे में आप जानते हैं, और इसमें एक एंगल होगा 90 डिग्री, एंगल एट ए और एंगल एट सी एंड एंगल एट बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब भी आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको तीनों साइडों में से किसी एक साइड का पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर आपको पता है तो यहाँ से एक एंगल पता होना चाहिए, यदि मान लो ये आपको बेस पता है तो यहाँ से कोई एक एंगल पता होना चाहिए, और यदि हाइपोटेन्यूज पता है तो इन दोनों में से भी कोई एक एंगल पता होना चाहिए।
मतलब ये हुआ कि आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्री का को अप्लाई करना है तो आपको कम से कम तीन साइडों में से किसी एक साइड का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो पता होनी चाहिए, और इन दो एंगल्स के बीच में 90 डिग्री के एंगल को छोड़ के एंगल की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। सो अब आपको क्या करना है, यदि फॉर एग्जांपल कि कोई एंगल भी पता नहीं हो तो आपको कम से कम दो साइड्स पता होनी चाहिए। ओके, अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि हम किस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। जब हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करेंगे, टी रेशियोज के नॉलेज को अप्लाई करेंगे, तो हमने हमेशा एक जो रेशियो बनानी है वो जो रेशियो होगी वो हमेशा होगी अननोन टू नोन। वो जो रेशियो होगी वो होगी अननोन टू नोन। इसमें जो साइड, फॉर एग्जांपल हमने हाइट ऑफ द टावर निकालना है तो ये साइड हमने निकालनी है, ये हमारे लिए अननोन हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा बीसी हमारे लिए अननोन हो जाएगा और ए बी हमारे लिए नोन हो जाएगा, और ये जो टी रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बन जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा बी सी अननोन है और ए बी जो है वो नोन है, और ये हो जाएगा टेन 45 डिग्री। अब देख लीजिए कितना आसान हो जाएगा, बी सी जो है वो हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 10 एंड 10 45 डिग्री इज 1, दिस पार्ट इज 10 मीटर, ये हो जाएगा 10 मीटर। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब हाइट ऑफ द टावर, फॉर एग्जांपल कि बच्चे की जो हाइट है वो बच्चे की हाइट है 1 मीटर, तो हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर जो सी डी है वो हो जाएगी बी सी प्लस बी डी। तो बी सी कितना आया, बी सी है आपके पास 10 मीटर और बच्चे की जो हाइट है वो ए ई, ये देखिए ये भी 1 मीटर ही होगा, सो प्लस हेयर बी डी इज इक्वल टू ए ई, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1 मीटर, दिस इज 11 मीटर। दिस इज द वे हाउ वी विल यूज दिस कंसेप्ट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।